अरे पूनम, तुम अभी तक यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? लगता है वक्त की रफ्तार जिंदगी को भूल गई है। जब से अर्जुन गया है सब कुछ थम सा गया है। न जाने किस हाल में होगा वो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। हम्म, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। हम्म, चलो। आओ। हाय बेबी। रास्ता छोड़ो बिल्लू। आज हम रास्ता छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें अपने दिल का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं जानेमन। जिंदगी में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जहां अकेलापन भी हो, साथ भी हो और हम तुम आमने सामने भी हो। ये बकवास बंद कर लो। छोड़ो मुझे। जानेमन बहुत सताया तुमने जानेमन। बंद कर दो इसे यहीं। सजू, सलीम, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं पूनम, आपके जाना इतना आसान नहीं। प्रिंसिपल साहब, बिल्लू और उसके साथ ही पूनम के साथ ऊपर लाइब्रेरी में बदतमीजी कर रहे हैं। जल्दी चलिए सर, प्लीज। पकड़ो से। स्टॉप इट। बिल्लू, रमेश, अर्जुन, भाग करो। आई सेड स्टॉप इट। हट जाओ पीछे। ले जाओ इनको। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कॉलेज है, कोई गुंडों का अड्डा नहीं है ये। शुक्र करो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में पुलिस का आना उसके नाम पर धब्बा है। लेकिन तुम लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम सबको इसी वक्त एक्सपेल करता हूं। गेट आउट। ले जाओ इन लोगों को, निकल जाओ। आई एम सॉरी पूनम, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नो सर, इट्स ओके। मैं रंगीला के साथ चली जाऊंगी। ठीक है रंगीला, टेक केयर। क्यों बे साले चमचे, कॉलेज में बहुत होशियारी झाड़ रहा है। मारो साले को। चुप कर। रामजादे, तूने हमें कॉलेज से एक्सपेल करवाया था, है ना? ले, हम तुझे तेरी जिंदगी से एक्सपेल किए देते। नहीं मैं। नहीं। जिंदा है, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। उठाओ। ये तो लफड़ा हो गया बिल्लू। हाँ, पूनम होश में आते ही सब कुछ बता देगी। अब बचने की एक ही तरकीब है, तुम फौरन गांव चले जाओ। हाँ, वहां तुम्हारे बाप की धाक जमी है, वहीं से लफड़े को सुलझा सकते हैं। ठीक।
अबे बेवकूफ, तुझे शहर भेजा था पढ़ने के लिए या खून खराबा करने के लिए? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही तो कहा करते थे कि ठाकुर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देते हैं। मैंने भी वही किया, तो इसमें गलत क्या है? खामोश, गलती का बच्चा। हेलो, रुकिए दादा, आपके लिए दारोगा जी का फोन है। हाँ दारोगा जी भाई, हम तो खुद आपको फोन करने वाले थे, कहिए। अरे वो सब छोड़िए ठाकुर साहब, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। शहर से डीआईजी साहब आए हैं छोटे ठाकुर की गिरफ्तारी का वारंट लेकर। क्या ठाकुर साहब? वो हवेली की तरफ आ रहे हैं। देखिए मेरी बात जरा गौर से सुनिए, भलाई इसी में है कि आप छोटे ठाकुर को कहीं पर छुपा दीजिए। अगर वो डीआईजी साहब के हत्थे चढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। पंडित जी, तुम फौरन बिल्लू को अपने साथ लेकर शिकार घर की तरफ रवाना हो और कुछ दिनों तक सख्त पैरे में वहीं छुपा कर रखो। मगर क्यों? क्यों? इसलिए कि शहर से डीआईजी आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया है। अब यहां से जल्दी निकलिए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जाइए जी। जी चले थे ठकुराई झाड़ने। ठाकुर साहब घर पर हैं? जी साहब आइए आइए, वो रहे। आदाब ठाकुर साहब। आदाब। मैं डीआईजी हिदायत अली खान हूं। फरमाइए। मुझे अफसोस है, मेरे पास आपके बेटे का अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? क्या किया है उसने? अपने स्टूडेंट साथी का कत्ल। कहां है वो? शहर कॉलेज में। मगर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहां आया है। वो यहां नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए हमारी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। वो तो हम लेंगे ही। हवलदार तलाशी लो। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, आइए। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। कुछ ठंडा पीजिएगा या गर्म? जी नहीं शुक्रिया। माफ कीजिएगा डीआईजी साहब, हमारा बिल्लू ऐसा लड़का नहीं है जो किसी का कत्ल करेगा। ठाकुर साहब, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों में नेकी और शराफत की झलक देखते हैं और यही वजह है कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। क्या यह पर्दा कानून की आंखों पर नहीं डाला जा सकता? क्या मतलब? आप समझदार हैं, समझ गए होंगे अच्छी तरह। और यह भी समझ गया हूं कि आप जानते हैं कि आपका बेटा कातिल है, वरना उसके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश नहीं करते। ये रिश्वत नहीं है हुजूर, इसे नजराना समझ लीजिए। ठाकुर शमशेर सिंह, पुलिस वालों की बाबत तुम्हारा यह तजुर्बा कुछ गलत किस्म के खुदगर्ज अफसरों से ताल्लुक रखता है, मगर डीआईजी हिदायत अली खां की वर्दी बिकाऊ नहीं है, समझे तुम? अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुम्हारी इस हरकत को एक बाप की कमजोरी समझकर माफ की देता हूं। आइंदा कानून की बेइज्जती कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। साहब हवेली में तो कोई नहीं है। ठाकुर साहब, मैं आपके बेटे को गिरफ्तार करने आया हूं और करके रहूंगा। खैरियत इसी में है कि उसकी खबर मिलते ही मुझे इत्तला कर देना, वरना खुदा हाफिज़।